अच्छे परवरिश के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए, अच्छी जॉब के लिए, और आज अच्छी जॉब भी कर रहा हूँ। आज जैसे आज आप को जानकारी मिल रही है, मुझे ऐसे जानकारी नहीं मिली थी, मुझे ऐसे जानकारी मिली थी कि भाई ये ऐसा ऐसा बिजनेस है। और बिजनेस की जानकारी कब मिली थी, जब मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब किया करता था, जिन्होंने मुझे जानकारी बताई, जिनका आपने यहाँ अभी सम्मान देखा था। तो मैं बताना चाहूंगा कि मुझे जानकारी सबसे पहले हमारे वीनस लीडर मिस्टर हरिनारायण चौधरी सर ने किया। तो लेकिन यही होता है कि जब तक विजन क्लियर नहीं होता है तो कुछ भी नहीं होता है। जब इन्होंने शुरुआत किया था, मुझे बताया था, लेकिन मैं अच्छा पैसा ले रहा था, अच्छा सब कुछ था, लेकिन जब इन्होंने बताया कि ऐसा होता है, विश्वास नहीं हुआ। इन्होंने बाइक लिया, धीरे धीरे कार लिया, धीरे धीरे घर लिया, अपनी जॉब को क्विट करा, तब मुझे मालूम चला कि आज ये 5 साल के बाद 21 लाख रुपए के पैकेज पे पहुंचे हैं, और मैं अभी 21 लाख से थोड़ा सा दूर हूं। इतनी साल की नौकरी के बाद में 21 लाख के पैकेज में नहीं पहुंचा, और ये 5 से 6 साल में 21 लाख रुपए सालाना पे पहुंच गए। और हम सब यहां बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप में पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भैया हमको बाद में लगा कि पैसा कमाना चाहिए, फिर हमने इस बिजनेस को समझा, बिजनेस को काम करना स्टार्ट किया। जैसा सर ने बोला, शुरुआत में वैसा नहीं हुआ, क्यों? इंजीनियर्स थे, बताने वाले इंजीनियर्स नहीं थे। तो हमने धीरे धीरे अपना लेवल, मान सम्मान जो भी हमारा था बाहर की दुनिया में, जिसको हम दिखा के कुछ कमा नहीं सकते थे, लेकिन बाद में हमें मालूम चला कि सर इनको दिखाने से, इनको करने से आज बहुत कुछ होता है। आज सर का बताना चाहूंगा कि इनका जॉब का आई कार्ड दिखा दिखा के, ये जो बंदा सामने खड़ा हुआ है, इसने यहाँ से 2.5 लाख की बाइक भी ली है, 16 लाख की कार भी ली है, और आप लोगों के सामने टोपाज लेवल पे भी खड़ा। बाहर की दुनिया में कोई मेरा जॉब लेटर या कोई भी दिखा के मेरे बच्चे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस बिजनेस में आप देखो, आज इनकी फोटो दिखा दिखा के जो साथी लोग हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनकी साथी की इनकम, उनकी गाड़ी, उनके अचीवमेंट्स, उनके यंग रिच रिटायर की कहानियां सुना सुना के लोग आज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो विश्वास मानिए, मुझे वही बात समझ में आई, और जो मेरे पिताजी कह रहे थे कि जब हमारे पिताजी की शादी हुई थी तो उन्होंने माला भी नहीं पहनी थी, और मेरे पिताजी को मैंने एक ही बात बोली थी, और मेरे पूरे परिवार को, पूरे खानदान को बोला, और आज आपके सामने और बोल देता हूँ कि 2028 में मेरे पिताजी की 50वीं सालगिरह है। फूल ऐसे हाथों से नहीं गिराऊंगा, पूरे गांव के बीच में 50वीं सालगिरह कराऊंगा और हेलीकॉप्टर से फूल गिराऊंगा। और मेरी जो टीम है, दमदार टीम, उस जो यहाँ बैठी हुई है, जिनकी बदौलत आज मैं हूँ, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आज मैं जहां पहुंचा हूं, जितने समय में पहुंचा हूं, जैसे पहुंचा हूं, जो गलतियां करिए आप लोगों को, वो गलतियां बिल्कुल नहीं करने दूंगा। मेरे से कम समय में और मेरे से बेहतर लीडर आपको यहां पर बनाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने मेरे मेंटर मिस्टर कमल सर, हरिनारायण सर, मेरे अप्लायंस राम सर, देसा सर, इनसे एक ही बात सीखी है कि ज्यादा आप इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो फॉलोअर नहीं, आपको लीडर बनाने पड़ेंगे, लीडर बनाने पड़ेंगे। और मैं किसी भी साथी को फॉलोअर नहीं बनाता, एक ही बात बोलता हूँ, बस लीडर बन। आज जो मैंने किया उससे 1000 गुना बेहतर कर। और बिल्कुल साथियों, टारगेट की जैसे की बात करें, टारगेट निकल चुका है बिल्कुल। तो बिल्कुल साथियों, कमिटमेंट कहता हूं, अभी तक जो गलतियां हुई, जो जैसी भी टीम भी बैठी हुई है, माँ बाप भी बैठे हुए, मेंटर भी बैठे हुए, अपलाइन भी बैठे हुए, सभी लोगों के सामने कमिटमेंट करता हूं कि इस बार मैं अपने यहां से खुद का तो जो टॉप का टारगेट निकला हुआ है मकाओ और हांगकांग का, वो तो करके दिखाऊंगा, और अपनी टीम में 20 टारगेट करके दिखाऊंगा दोस्तों, 20 टारगेट करके दिखाऊंगा। और बात करें अगले लेवल की, तो बिल्कुल 5 फरवरी को मेरा बर्थडे है, तो बिल्कुल अगला लेवल एमराल्ड, मैं अपने बर्थडे को बिल्कुल अपने आप को ही गिफ्ट करूंगा। धन्यवाद साथियों, आप लोग मेरी इस खुशी में सम्मिलित हुए, इस सम्मान को आप लोगों ने बहुत महान बनाया, तो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोगों के लिए अब तक की सबसे जोरदार तालियां। थैंक यू, शुक्रिया।